जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित हजरत अब्दुल रहीम शाह उर्फ चूना शाह बाबा की जियारत करने मुंबई के जमाल बाबा एवं कोलकाता से हाजी अख्तर अली लश्कर जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि जमाल बाबा मुंबई के चेंबूर स्थित हजरत सैयद गाजी सालार मलंग शाह कादरी उर्फ घास वाले बाबा के गद्दी नशीन हैं। वे चौथी बार जमशेदपुर आए हैं, जहां जमाल बाबा ने चूना शाह बाबा के मजार शरीफ पर चादर पोशी कर अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। इस दौरान जमाल बाबा के द्वारा लंगर बनवा कर मजार शरीफ पर आए जायरीनों के बीच वितरण किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में जमाल बाबा ने कहा कि चूना शाह बाबा के दरबार में आकर मुझे खुशी मिलती है, जब भी बाबा बुलाते हैं मैं आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि मजार शरीफ पर जियारत करने जो भी लोग बाहर से आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, जिससे बाहर से आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यहाँ के मजार शरीफ की कमेटी एवं यहाँ के गणमान्य लोग इस पर ध्यान दें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए जायरीनों के रुकने का इंतजाम यहाँ है, लेकिन कमेटी की तरफ से उसमें ताला बंद कर रखा जाता है। ज्ञात हो कि विधायक सरयू राय के सहयोग से चूना शाह बाबा की मजार पर रानी अम्मा गेट का निर्माण किया गया था, जिसके ऊपर बाहर से आए जायरीनों के रुकने के लिए कई कमरे बनाए गए थे। उन कमरों को मजार शरीफ कमेटी के द्वारा बंद करके रखा जाता है, जिससे बाहर से आने वाले जायरीनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप पहली बार जमशेदपुर आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो पहले भी 4-5 बार तो आ चुके, सरकार बुलाए लेकिन फिर आ गए, बुला लिए सरकार ने। अच्छा, बड़े कर्म की बात है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? मैं अभी बॉम्बे से कलकत्ता आया, कलकत्ता से फिर मैं सरकार में हाजिरी के लिए आया बॉम्बे। तो जमशेदपुर में आकर बाबा कैसा लगा? अलहमदुल्ला शुक्रिया, बाबा का बहुत बड़ा करम है। लेकिन यहाँ पर जरा मीडियम के, मैं मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा। जी जी बोलिए। आप लोग भी जो यहाँ पर है चूना शाह बाबा की ट्रस्ट है, उनसे भी आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करें, यहाँ आने वाले मेहमानों के रहने की सहने की बहुत तकलीफ होती है, वैसे समय में भी जरा आप लोग उसमें सहयोग करें, ताकि जो भी मेहमान बाहर से आए वो आराम से इस्तेमाल हो रहे सरकार में। सरकार का भी यही काम था, जब तो आज पूरा जमशेदपुर बसा हुआ है, आपने बसाया अपनी मोहब्बत से, उनको मिलने वालों से, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का झुमला यहाँ पर है, ये बहुत कर्म की बात है। सही बात। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग भी मुंबई से आए, हर दुनिया के लोग यहाँ आते जाते हैं, रात बिरात रहने के लिए सुविधा, उसके लिए ट्रस्ट के जानिब से रहने सहने की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बाबा आप क्या दुआएं करेंगे जमशेदपुर के लोगों के लिए? मैं इस बार आए हैं, आप मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक सबसे पहले झारखंड के अंदर जो इस वक्त बहुत क्रेज चल रहा है, सबसे ज्यादा जाति भाव चल रहा है, मैं सरकार चुनाव बाबा से ये गुजारिश करूंगा कि झारखंड के अंदर अपनी नजरें इनायत अता फरमाए, यहाँ के गौर गरीब पर जो जुलूम हो रहा है यहाँ के प्रशासन नजर डाले, कि मैं यहाँ की जो सरकार है सुरेंद्र साहब की, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पर जो चल रहा है पे आप ध्यान दें, आपकी भी पार्टी फले फूले, आप भी एमपी तक आज हैं, आज सीएम हैं, कल देश के प्रधानमंत्री बने, हम लोग की यही दुआ है जो नेक काम यहाँ करेगा सरकार उसको फलाएगा फुलाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सूफी जमाल शाह कादरी, मुंबई घास वाले बाबा दरगाह, दरगाह का सदर होने के नाम मैं आज यहाँ पर सरकार में तशरीफ लाया। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।